तो दोस्तों साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने अपने जन्मदिन के मौके पर ऐलान किया था कि वो डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ अपनी अगली फिल्म करेंगे, जो इन दोनों KGF 2 में व्यस्त हैं। जूनियर एनटीआर की फिल्म को लेकर सामने आए ताज़ा रिपोर्ट की माने तो डायरेक्टर प्रशांत नील ने विजय सेतुपति से भी बात की है, जो इसमें अहम भूमिका निभाते दिखेंगे। प्रशांत ने विजय को फिल्म की कहानी सुनाई है और उन्हें यह पसंद भी आई है। विजय सेतुपति ने अभी फिल्म को आधिकारिक रूप से साइन नहीं किया, उन्होंने मेकर से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो इस कहानी पर थोड़ा विचार कर सके। अगर विजय सेतुपति जूनियर एनटीआर की फिल्म के लिए राजी हो जाएंगे तो दर्शकों की चांदी हो जाएगी। प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की फिल्म अगले साल के अंत तक शुरू होगी। फिल्म को मेकर्स बहुत बड़े स्तर पर बनाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। फिल्म के बारे में मेकर्स जल्द ही कोई आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर इन दिनों राजामौली की नई फिल्म RRR में व्यस्त है। इस फिल्म में उनके साथ रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म साल 2021 में दशहरे के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मेकर्स अब इसे अगले साल की गर्मियों में रिलीज करने की सोच रहे हैं। RRR की कुछ शूटिंग अभी बाकी है, जो जल्द ही खत्म कर ली जाएगी। इसके बाद मेकर्स फिल्म की फाइनल एडिटिंग का काम शुरू करेंगे। RRR के सैटेलाइट OTT राइट्स बहुत बड़ी रकम में बेचे गए हैं। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि राजामौली की यह फिल्म रिलीज हुए बिना ही अपनी लागत निकाल चुकी है। तो देखना ये होगा कि लोगों को जूनियर NTR की यह फिल्म कैसी लगेगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।